up. Got me all stuck, chasing that rush. Had to get up and give up. I just want you. Assalamualaikum, hope so you are doing good. So, जो आज की वीडियो का मेन मोटिव था वो ये कि जो मुझे DM में आया था कि मैंने आपकी FMH की वीडियो देखी है, तो मुझे एक शालामार हॉस्पिटल और दूसरी गुलाब देवी हॉस्पिटल, इन दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए. अच्छा, शालामार हॉस्पिटल का तो ये सीन है कि उन्होंने जो है रिजल्ट का वेट करना है, जो FSC का हमारा रिजल्ट है उसके ऊपर जो है वो लोग इन अपनी लिस्ट लगाएंगे और अपने एडमिशन्स को खोलेंगे. अभी उनका ऑनलाइन कोई भी फॉर्म अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी, शालामार वगैरह कहीं पे भी अभी कुछ भी नहीं करा. दूसरी बात है शालामार मेडिकल एंड डेंटिस्ट्री कॉलेज, इसका ही है ना, तो वहाँ पे डेंटिस्ट्री नहीं होती है, वहाँ पे बाकी सारी फील्ड्स हैं. ठीक हो गया. दूसरी बात शालामार का सिर्फ इतना ही है, वो सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं. और दूसरी बात जो थी वो गुलाब देवी की, गुलाब देवी वालों के एडमिशन अभी ओपन है. उन लोगों की एडमिशन की लास्ट डेट आई थिंक नवंबर का कुछ मिड है, या सॉरी अक्टूबर का एंड है, नवंबर का स्टार्ट, कुछ इस तरह से उनकी ना लास्ट डेट डेडलाइन है उनकी एडमिशन की. बट उससे पहले जो है उन्होंने अपना एडमिशन खोले हुए हैं. मैं आप अभी चेक कर लो इस तरह से, आप जी तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, जब आप करोगे तो आप इससे आपको समझ जाएंगे कि आपको किस तरह से एडमिशन है, किस तरह से आप उसको क्लिक करना है. और यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे एडमिशन फॉर्म्स सारे आ जाएंगे. ये सारे इसका मतलब है कि ये सारे के सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं, इस फील्ड्स के जो हैं इनके पास एडमिशन्स, वो एडमिशन फॉर्म अवेलेबल है इनके. ठीक है, इसके बाद फर्दर ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे. सो अब आप यहाँ पे जिस फील्ड का आपको करना हो तो आप उसका कर लेना है. मैंने यहाँ पे DPT के लिए किया कि एक दफ़ा चेक कर लेते कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मैंने DPT का फॉर्म जो है वो कर लिया ताकि मैं वीडियो में भी दिखा सकूँ कि मैंने फॉर्म सही से डाउनलोड हो गया था. ये आगे जब इसको मैंने कैम्प्स स्कैनर पर खोला तो ये मेरे पास एडमिशन फॉर्म आ गया. ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी सारा कुछ आपको पता चल जाएगा. जब आप खुद देखोगे तो आपको पता चलता जाएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. और बस अगर किसी और फील्ड में आपको करना हो तो आप कोई और फील्ड का डाउनलोड कर लो. होप सो यू गेट द पॉइंट, आपको समझ लग गई होगी. जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे DM किया था आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आपको इसके एडमिशन के लिए ट्राई करना है. और दूसरी बात, आपको जब ये एडमिशन फॉर्म मिल जाएगा आपको इसका जो है प्रिंट निकलवाना है, ठीक है, खुद से, और इसको सबमिट करवाने के लिए आपको कैंपस जाना पड़ेगा. ये ऑनलाइन सबमिशन नहीं होती है इसकी. सो बाकी अगर इसके अलावा फर्दर कोई और इंस्टीट्यूट के बारे में पूछना हो या किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे DM कर लेना, क्योंकि थोड़ी बहुत लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे मैं फिर चुकी हूँ, जहाँ पे मैं खुद जाकर जो है इन्फो ले चुकी हूँ, इसलिए मैं बता देती हूँ. और अगर कुछ ना हो या मेरे इल्म में ना हो किसी चीज़ की इन्फो, तो वो मैं या तो गूगल कर लेती हूँ या फिर मैं उस इंस्टीट्यूट जाकर एक दफ़ा पता कर लेती हूँ कि ये क्या सीन है एडमिशन वगैरह का, तो फिर मैं आपको बता देती हूँ. सो होप सो यू एंजॉय इट. डू मस्ट लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. अल्लाह हाफिज़.